टाइटल ऑफ द टॉपिक इस टॉपिक का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स और कोर्स का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट मोटिवेटेड ही विल आल्सो बी एबल टू डिस्क्राइब द लर्निंग आउटकम्स एंड डिस्क्राइब द टेक्स्ट एंड द रेफरेंस बुक्स सबसे पहले हम मोटिवेशन देखते हैं बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी वाइड uh, स्प्रेड होने से पहले सिक्योरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड प्राइमरिली बाय फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते थे इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए उसे किसी कैबिनेट में रख लेते थे और फिर लॉक्स लगा देते थे जो जो आपका ये जो इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है जो ही कंप्यूटर्स एडवांस हुए टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो गई है ना आर टू मेजर चेंजेस जिसकी बुनियाद पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चेंज हो गई है नंबर वन एज द कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ए नीड फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द शेड कंप्यूटर्स वॉज फेल्ट इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स के आने के बाद क्या हुआ कि आपके जब नेटवर्क्स बने तो नेटवर्क में क्या होता था डेटा आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वेन यू वॉन्ट टू कैरी आउट कैरी द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वन तो फिर वहां पे भी हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है इसकी इसको हम कहते हैं नेटवर्क या इंटरनेट की सिक्योरिटी कहा जाता है अब हमारे पास जो डेटा वो किस तरह का स्टोर्ड है अगर आप बिजनेसेस देखें तो जो बिजनेसेस हैं उनके उनके कंप्यूटर्स के ऊपर बिजनेस डेटा होगा एंड दे डोंट वॉन्ट के उनका जो डेटा वो लीक हो जाए सिमिलरली आपके पास अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे आ, आ, हैक करके या लीक हो जाए आ, दूसरों को इसी तरह अगर आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करें तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिवेलपर है वो कॉपी है एंड यू डोंट वॉन्ट के वो जो कॉपी सॉफ्टवेयर है वो दूसरे पायराइटेड वर्जन बना के उसे डिप्लॉय करें और मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो जो हमारा डेटा है इसको आप क्या करना चाह रहे हैं प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अब हम कुछ वायलेशन uh, देखते हैं जो सिक्योरिटी की वायलेशन है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे पास से एक यूजर है ए और वो क्या करते है यूजर बी को एक फाइल ट्रांसमिट करता है यूजर ए जब ट्रांसमिट कर रहा है फाइल बी को तो दरम्यान में यूजर सी क्या करता है उसको कैप्चर uh, कर लेता है उस फाइल को और ही इज नॉट ऑथराइज टू लुक एट द कॉन्टेंट्स ऑफ द फाइल वो ऑथोराइज नहीं है फिर भी वो क्या करता है फाइल को समाह वो कैप्चर कर लेता है और इसके कॉन्टेंट्स को देख लेता है इसको हम क्या कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं अगर एक और सिनेरियो देखें एक और सिचुएशन देखें तो लेट्स से हमारे पास एक यूजर है यूजर डी वो क्या करता है एक मैसेज भेजता है कंप्यूटर ई e की तरफ तो यूजर एफ क्या करता है उस मैसेज को इंटरसेप्ट करता है और उसको ऑल्टर करके उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है ई e की तरफ और ई e ये समझता है कि ये ओरिजिनली कहां से आया यूजर डी ने भेजा है तो इस किस्म के अटैक को हम क्या कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं यह भी पॉसिबल हो सकता था कि जो यूजर एफ है इट कंस्ट्रक्ट इट्स ओन मैसेज एंड देन इट ट्रांसफर्स टू ई और ई e ये समझता है ये मैसेज कहां से आ रहा है मैसेज ये कंप्यूटर डी से आ रहा है तो ये कुछ सिक्योरिटी वायोलेशन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी तरह कुछ और कॉमन अटैक्स किस तरह के हो सकते हैं क्रिप्ट एनालिसिस आपके पास एक मैसेज है जो इंक्रिप्टेड है उस इंक्रिप्टेड मैसेज को लेके आप उसके ऊपर कोई एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो जो इंक्रिप्टेड मैसेज है उसके जो प्लेन टेक्स्ट है उसको आप डिस्कवर कर सकें फिर आप क्या कर सकते हैं पासवर्ड पेल्फरिंग कर सकते हैं आप गैसिंग कर सकते हैं पासवर्ड की ताकि किसी का यूजर अकाउंट आप उसका क्या करें हैक कर सकें इसी तरह आप इंक्लूजन इज ए कॉमन अटैक इंक्लूजन में क्या होगा कि आप क्या करते हैं एक नेटवर्क में घुस के वहां से डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं देन ऑफ सर्विस इज येट अनदर अटैक इट्स अ वेरी कॉमन अटैक आप क्या करना चाह रहे हैं अगर एक याहू का सर्वर है याहू के सर्वर का जो सर्विसेज है वो क्या हमें सर्विस प्रोवाइड करता है एक क्लाइंट जब ब्राउजर में लिखता है डब्ल्यू तो वहां से सर्वर क्या हमें देता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो वेब पेज जो है वो हमारे सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले कर देता है और वो सारी फाइल्स इमेज आईकॉन वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स ये हमारी तरफ भिजवा देता है क्लाइंट की तरफ अब अगर आप क्या करें इस याहू के सर्वर को डाउन कर दें तो वो अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकेगा तो डनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज अनदर कॉमन अटैक फिर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर भी हमारे पास हम देखते हैं वायरसेस हैं वार्म हैं ट्रोजेंस हैं ये हमारे सिस्टम में बैठ के हमारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं इनकी रैम को कंज्यूम कर सकते हैं हार्ड डिस्क को कुछ कर सकते हैं सीपीयू को कर सकते हैं हमारे इवन नेटवर्क को क्या कर सकते हैं वो बैट बैठा सकते हैं सो दीज आर सम सम्पल्स ऑफ सम अदर कॉमन अटैक्स अब ये जो सिक्योरिटी ब्रीचेज हैं इनसे हमें क्या हो सकता है ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली आप, आपकी जो कॉरपोरेशन है उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है थेफ्ट ऑफ आईपी हो सकता है लॉ सूट हो सकते हैं थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में एक डेटा बेस मेंटेन किया जा रहा है पेशेंट्स का तो समाउ कोई उस डेटा बेस को एक्सेस करके उस डेटा को क्या कर देता है करप्ट कर देता है तो क्या हो सकता है कि वो जो पेशेंट्स हैं उस हॉस्पिटल को क्या कर सकते हैं सू कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो आपके पास फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं सो द फील्ड ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ मेयर्स टू डिटर आप क्या करना चाह रहे हैं डिटर करना चाह रहे हैं ट करना चाह रहे हैं डिटेक्ट करना चाह रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू क्रेक्ट सिक्योरिटी ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में हम जो बुक्स जो हमारी रिक्वायर्ड बुक्स है जो पहली रिक्वायर्ड बुक है वो है विलियम स्टॉलिंग्स की जिसका टाइटल है नेटवर्क सिक्योरिटी असेंशियल एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड्स दिस बुक इज पब्लिश बाय पर्सन एजुकेशन एंड इट वॉज पब्लिश इन टू थाउजेंड एंड फोर्टीन और इसका एडिशन है फिफ्थ एडिशन हम स्टडी करेंगे फिर एक और बुक हम यूज करेंगे जो है सीसीएनए सिक्योरिटी स्टूडेंट पैकेट ट्रेसर का मैनुअल है एंड एंड दिस दिस इज अवेलेबल बाय सिस्को नेटवर्किंग बैक इन इस, इस कोर्स में हम एक रेफरेंस बुक भी यूज करेंगे और रेफरेंस बुक है विलियम स्टॉलिंग्स की क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस दिस बुक वॉज पब्लिश इन टू थाउजेंड एंड फोर्टीन और इसका जो पब्लिश है वह प्यर्सन एजुकेशन और इसका सिक्स एडिशन हम फॉलो करेंगे इस कोर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है जो पार्ट वन है इट विल अलाउ अस टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल सर्वे ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड्स हम एप्लीकेशन देखेंगे और स्टैंडर्ड्स देखेंगे अब इस पार्ट वन को हम क्या कर सकते वी कैन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट पार्ट नंबर वन ऑफ पार्ट वन क्रिप्टोग्राफी है इसमें हम क्या करेंगे स्मेट्रिक इंक्रिप्शन के प्रिंसिपल्स देखेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन को स्टडी करेंगे फिर ये जो पार्ट वन का जो सब पार्ट नंबर टू है इसमें हम नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन को देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन में हम लोग की डिस्ट्रीब्यूशन की इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक यूजर को कैसे अथेंटिकेट करने के क्या तरीके हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या है क्लाउड सिक्योरिटी कैसे अचीव की जा सकती है ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी क्या है वायरलेस नेटवर्क्स को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हमारी उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं आईपी क्या होता है सो आर आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट नंबर टू अब पार्ट वन का जो सब पार्ट नंबर थ्री है उसमें हम क्या कवर करेंगे उसमें हम सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में कवर करेंगे उसमें मिलेशियस सॉफ्टवेयर जो वॉर्म्स है जो uh, उनको हम डिस्कस करेंगे फिर इनक्लूजन को देखेंगे, this, three, हम क्या देखेंगे? को करेंगे. जो पार्ट नंबर टू है इस कोर्स uh, का वी विल परफॉर्म लैब एक्सपेरिमेंट टू कॉन्फिगर नेटवर्क एम्प्लॉइंग सिस्को कॉम्पोनेट्स फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो ये प्रैक्टिकल है ये हमारा लैब एक्सपेरिमेंट्स हम इस पार्ट में कैरी कर, 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 आउट करेंगे इस मकसद के लिए हम सिस्को का जो प्रैकेट ट्रेसेट सिमुलेशन टूल है उसे हम यूज करेंगे और इन द एंड हमारी ग्रेडिंग uh, पॉलिसी हमारे जो असाइनमेंट्स हैं हैं जो दे ऑफ द ऑफ द मार्क्स मिड टर्म एग्जाम इट विल कैरी थर्टी फाइव परसेंट पेटेज और जो फाइनल टर्म एग्जाम होगा इसमें फिफ्टी परसेंट होगा है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो नेटवर्क सिक्योरिटी है इसकी मोटिवेशन दी हैं इस बुक में इस कोर्स में कवर होने वाली जो टेक्स्ट बुक है जो रेफरेंस बुक है उसके बारे में डिस्कस किया और जो ग्रेडिंग पॉलिसी है उसको हमने आ, आ, डिस्कस किया है